एरिना टेलिभिजन देखि रहल सम्पूर्ण दर्शकबिनके हामी दुई हात जोडीके नमस्कार गर्छौँ। तोसिन देखि रहल छै अखने एरिना टेलिभिजन मिडिया फर युथ, जेकि हमर सिनके एरिना टेलिभिजन विभिन्न केबल अपरेटर माध्यमसँ देशभर देखि रहल छै हमर सिनके। ओहिना करिके तोसिन हमर सिनके लाइव देखे लगना तोसिन www.erinatelevision.com.np लगन करिके तोसिन देश विदेशमे भी रही हमर सिनके लाइव प्रत्यक्ष रूपमे देखे सकछै। आज छ कि रवि दिन, जेकि ठीक यार समय 6 बजेसँ 7 बजे तक तोसिन आउसे देखे सकछै ठाड़ भाषा कार्यक्रम हमर समाज। साथ दए रहल छु हमे तोरी सियानके सङ्ग नीरज खवास, आरो इतना खाना हमरा कैमरा दिसन साथ दए रहल छी विनय हमाल जी। विनय हमालके बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछिन, जेकि तोसिन टेलिभिजन से पहिनकर बेर देखि रहल छै ठाड़ भाषा कार्यक्रम। जेकि एटा कार्यक्रममे कुन कुन हेछि हम एटाके जानकारी तोसिनके सबैसँ पहिना देवे चाहछु। जेकि एटा कार्यक्रममे मनोरञ्जनके साथ साथमे जेकि थारू समाजमे सङ्घर्ष करिरहल विभिन्न व्यक्तित्व सँगसँगै हामी बातचित करबु, आरो ओहिना करिके आज हामी पहिनकर दिन हेलाके कारणसँ आज बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बनौलमे उपस्थित हेल छु। आज एथेन करा रही कि हम आज एउटा कार्यक्रमके छायाङ्कन गरिरहल छु, जेकि आज यहाँ गाउँके व्यक्तित्व सँगसँगै हामी विभिन्न विषयवस्तुमे बातचित करबी। सबैसँ पहिना कार्यक्रमके आगु बढाबम इटा गाउँके एकटा फुटेज छ।
छुम्मा फुटेज के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरी सियान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में। हमें छुकुन तोरी सियान के संग हमें नीरज खवास आर तोरी सियान अखनी देखी रहा एरिना टेलीविजन मीडिया फॉर यूथ जे कि हम तोरी सियान के इटा छुम्मा फुटेज देखनु बेलबारी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 बनौल स्थित के इटा फुटेज। इटा फुटेज के बाद में आज हमें यार गाँव के विभिन्न व्यक्तित्व संगसंगे आज हमें बातचीत करे जा रहा छुन जे कि ओने यहाँ क्रम में अखन कर क्रम में सब से पैना हमें इटा यार गाँव के एक व्यक्ति संगे हमें बातचीत करे जा रहा छुन जे कि अखनी हमार आगू में छी। अखनी हमार आगू में छी यार गाँव के व्यक्ति केच की हुए कुन करी रहा छी यार के बारे में हमें ओकर संगे बातचीत करे चाह छिन। हेलो नमस्कार। नमस्कार। तोर शुभ नाम? हमार नाम विनोद खमर खवास। विनोद जी कुन करी रहा छी? अखनी हमें टीचर कर रहा छी शिक्षक। सरकारी की प्राइवेट शिक्षक करी रहा? सरकारी। किन छी सरकारी आर प्राइवेट में किन भिन्नता छी इटा सरकारी टीचर आर प्राइवेट शिक्षक में? सरकारी में कुन छ त भनाले अब सरकारी आर आर कुन छ प्राइवेट स्कूल में भिन्नता देखल गेछ समाज समकै रहल छ। कारण काम त सरकारी स्कूल में मतलब इटा स्कूल हमर छिके कहिके सरकार वाला समाज से मोदा चासो नै दिसे। जब तक सरकारी स्कूल में इटा स्कूल हमर छिके अपन छिके कहिके भावना नै हेते तब तक स्कूल कुछ कमजोर हेते। त ठामै एक आदमी दुईटा बच्चा रहे ओकर बच्चा एक बोर्डिंग में पढ़े एक सरकारी में पढ़े तो सरकारी के कौन कर से स्थानीय कर से बोर्डिंग में ओकरा खाना पुगाबे टिफिन पुगाबे ओकरा ड्रेस सजा दी से होमवर्क चेक कर से कौन कौन चेक कर से काम भी ओते पैसा लग से जते जनता में लगानी नहीं लग से ओते मया नहीं है से ऊ लेल से सरकारी स्कूल में कंजी सरकार वाला सब भी ओतना चासू नहीं छे। कुछ कुछ तो टीचरों सब हल्का फल्का गलती छे ओरा हम कह नहीं सकबे गलती से अखरू सीखे लेकिन सब पक्ष सुधार जाए पड़े सुधारने से तब अवश्य सरकारी स्कूल भी बहुत आगू बढ़े वाला छे। जिनकी विराटनगर में अखने चारों मर सब पक्ष ओकर छी सुधार रहल छे ओतकरा समुदाय स्कूल भी ओतकरा विराटनगर में अखने मारामार हावी रहल छे बोर्डिंग में भी ओतना आदमी सब नहीं पढ़ छे अखने। जिन कहम नि सरकारी स्कूल आर प्राइवेट स्कूल में जे कि सरकारी स्कूल में एकदम लूज आर प्राइवेट स्कूल में एकदम इटा के स्ट्रिक्ट कहल जे छै नि इएह खलक छी इटा में कुन कहे चाहे छै? इटा त नीरज जी ठीक बात बोले प्राइवेट में स्टिक अलग लेकिन सरकारी में स्टिक कर लगे जे ओकर सरकारी के नियम छे करिकुलम अनुसार पढ़ाए छे लेकिन घर में उतना चासो नहीं रखे विद्यार्थी सब घर में पढ़ल के नहीं पढ़ल के और गार्जियन सब उतना चासो भी नहीं रखे इसलिए से कुछ कमजोर हावी रहल छे। इटा शिक्षक के बारे में इटा हमरा जानकारी दिलाई थारू श्रोता सब देखी रहल छी दर्शक सब देखी रहल छी ओखनुसिन बुझे पाबे सरकारी टीचर आर कमनी प्राइवेट स्कूल के टीचर कुन भिन्नता छै कहिके था पाबे पाबी ओने करी के फेन से ओकरे संगे हम बातचीत करे चाह छुन। सर टीचर बाहे कुन करी रहल छी? टीचर बाहे त अपन खेतीपाती करि रहल छी अखने पानी भी नै परि रहल छी कतना की मुश्किल आबि रहल छी त खेतीपाती करे त बात नै बोल बहुत मुश्किल भए गेल छै पानी नै परे के हालामे इटा में कहि करी 20-25 दिन खेती इटा में ढिलो भए गेल आदमी सबके जबकि यहार गाम में पानी परि रहल छले त कुन से 20-25 दिन आगु खेती हाबे अखने जते भी रोपल के से शुरू शुरू पानी पने रोपल के सुखानी खेत में ओना में बहुत एकदम रोबा सुखी गेल छै बहुत मुश्किल छै करी करी खनी अखन तक में पानी जने पड़ने से 50% इपारी इटा बनल गाम में मतलब उपजानी घटी गेले उपजानी घटी गेले से इटा के कुन समस्या कुन छके पानी नै परिके इटा पानी नै परिके समस्या छके इपारी जे कि पानी नै परल छी परु साल त इतना खाना लगभग खेत पात सब को आके उठि गेला है लगभग 20 दिन आगे खेत पात उठि गेछे मतलब पानी पड़ने से।
यारकमी अखन कर क्रममे हम ओकर संगे फेन से बातचीत जोरे चाहछिन अपन सिके इटा समाज तखने शिक्षा के बारे में बातचीत करलु इटा का इटा कमनी अपन सिके समाज में जे कि बेटा सम के प्राइवेट स्कूल में पढ़या के बेटी सम के सरकारी स्कूल में पढ़या के इटा में कुन कहे चाहछि अइने त बेटा बेटी में भेदभाव नै गर्न चाहि इटा में हम जोरदार हमर तरफ से समाज के तक्सी कारण बेटा हाबो से बेटी हाबो दोनों एकदम बराबरी है कि इले से बेटा के बोर्डिंग में अथवा बेटी के सरकारी स्कूल में इटा भेदभाव करने से काम की अब हमें कौन कह सकते एक घर में मतलब बेटी भी शिक्षा ही नहीं से पूरा समाज शिक्षित है पूरा घर शिक्षित है लेकिन बेटा अखने इटा जमाना में देखो जन तो अखने बेसी छौरा से छौरिये के बेसी शिक्षा एकदम इटा तो ठीक बात बोला नीरज जी काम की अखने इटा गाँव में नहीं कि हरेक गाँव में देखा बेटी सम डिग्री करी रहल छे मास्टर डिग्री करी रहल छे लेकिन बेटा सम्पूर्ण कर छे 11 12 पास कर छे दिस क्लास छोड़ी के तर बेटी सम जते भी गाम में खावास गाम में थारू गाम में बेटी सम आगमाखी बढ़ रहल छे शिक्षा के स्तर में तर बेटा सम अने खस्की दै जा रहल छे काम की बेटा सम उतना वस्तु नहीं कर छे अने शिक्षा के कमी बेटी सम के अखने बहुत शिक्षा दे रहल छे शिक्षा करी रहल छे बेटा से बेसी बेटी सम शिक्षा करी रहल छे एटा शिक्षा बहुते शिक्षा देल छे बहुते पढ़ल छे तय भी बिया दान करे खाना दान दे के बारे में इटा के गमनी बहुत लफड़ा लगल रहा छे इटा के बारे में कुन कहसा छे इने त बिहा में दान के बारे में त अब हमर से खवास जाति में उतना दान शांत नहीं दिसे नहीं हमर से में मांग भी नहीं छे न छरवा दिन से मांग नहीं छे अब ओकर मियां बाप के जे देबे मन लागछे अब ओकर अपन इच्छा अपन इच्छा अनुसार दिसे लेकिन छमरा दिन से मांग नहीं छे ओर जे खवास में चाहिए नहीं छे अपने से के समाज में देख ल गेले छे कतना देख ल भी गेले छे ले हम हमर हमरा बाइक देबै त हम तोर बेटी संगे बियाह करबो कहि के इटा के बारे में कोन कहसा छै इने त फटफट एकटा घटना हेल है ओटा घटना के हेलक बाद में भी अब नाम त नै कहम ओटा घटना हेल है ओटा घटना के कोन करके त बाइक के कारण से कुछ कछ लफड़ा लागले त कोन कर लगले त ओटा में बियाह कैंसिल भ गेले ओटा में हम धन्यवाद देबे खुशी कन्या पट्टी दिसन के काम भी अब हिने हिने में रस रसे बाइक मांगते जकरा छी त देबे सकती जकरा नहीं छी त कुन करते बहुत अफठार भागते नी काम की अब हमर दीक्षा मधेसी जात समय दहेज कारण से बहुत जन गरीब भाग गेल कि उल से हमर जोरदार मांग इटा दहेज पर था कि हटाबे पड़तो चाहे जुनसी के जाति में आबक ते कुन कहे चाहे इटा कार्यक्रम मार्फत से जेकि पूर्वांचल में पहिन कर बेर एरिना टेलीविजन से आबि रहल छी थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज के कार्यक्रम में इटा दान दहेज के बारे में कुन कहे चाहे तोर अपन कुन छो प्रतिक्रिया हमें इटा धन्यवाद एरिना टेलीविजन के काम की कोई भी टेलीविजन गाँव में आबे की शूटिंग नहीं लग गया मतलब कोई कार्यक्रम नहीं चल गया लेकिन एरिना टेलीविजन आज फर्स्ट पारी इटा गाँव में आबे के कार्यक्रम चलल के से हम बहुत धन्यवाद देवे साक्षी टेलीविजन के तकर बाद नीरज जी के और हमू कुन के से दुई चार शब्द बोले के मौका दिल के हम धन्यवाद देवे खुशी पूरा टीम के और दान दहेज के बारे में अंतिम कुन देवे खुशी त हमर से जितना से खावा स्थार विभिन्न जा से हमर से इटा के दान दहेज के बारे में एकदम हटाबे पड़ल काम की कालू दान दहेज के कारण से भी अब घर में ओकरा दान इटा दान दहेज रा हटाब लगना ककरा पहल करे पड़ते अपने यार अपने सी के समाज में करे पड़ले नी सबसे पहले तो हमर सी स्वयं अपना पहल करे पड़ल काम की अपने से शुरुआत करे पड़ल अपन घर से शुरू करे पड़ल अपन घर से शुरू करबे तकर बाद कोनो छे समाज में भी रसे रसे देखा सकी करते तकर बाद जे अब कानून हिसाब से समाज सुधार एन लागू हेल से इटा के दहेज के बारे में ओटा के हमर से फॉलो करने जा पड़ल इले से हमर इटा एरिवेंट्री मात्र से कुन कहे ताक्षी त इटा कार्यक्रम मार्फत से जे दान दहेज के बारे में जो हमर से एकजुट हाबे के इटा के विफल कर लेकिन हमर से एकजुट लागे पड़ल और इटा के विरोध करे पड़ल हमर से दान दहेज बहुत बहुत धन्यवाद इटा कार्यक्रम में बनिया बनिया सलाह सुझाव दिले इटा के लागि बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछु तोरेसियान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में हमे छकुन तोरेसियान के संग नीरज खवास और तोरसिन इतना खाना देखी रहल छै एरिना टेलीविजन मीडिया फॉर यूथ जेकि एरिना टेलीविजन हमर सिन के विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से देश भर देखी रहल छै जनता तोरसिन देश विदेश में भी हमर से आन के देखे सकते www.erinatelevision.com.np लगन करके हमर सिन के लाइव प्रत्यक्ष रूप में देखे सकते आज छायांकन के क्रम में पैन कर दिन हेला के कारण से आज हमें बेलबारी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित बनोल चौक में अल छी आज यार गाँव के व्यक्ति संगे हमें विभिन्न विषय वस्तु में जाके हमें आज बातचीत करी रहल छी एकजना संगे हमें पहिने बातचीत कर ली और यार क्रम में फिर से हमें एकजना संगे हमें बातचीत के जोड़े चाहछी हेलो नमस्कार नमस्कार तोर शुभ नाम उमालाल खवास
बेलबारी छो उमालाल जी कौन करी रहल छे अखने अखने हमे कौन करी रहल छे हमे अखने चौक में बैठी रहल छे या चौक रा में बैठे बाहे कौन कर छे बैठे के बाहे यहाँ गप सप कर छी राजनीति के गप सप राजनीति में के हार के जीतल के यहाँ सब के गप सप करी रहल छे राजनीति करी रहल छे राजनीति के गप सप करी रहल छे अखने हम एटा गांव में देखछु बाट साट ना एकदमे कच्चा छी कहाँ कहिया तक में एटा बाट कहिया पक्का हेती ईटा बाट पक्का हबे लगिन तोरा लागते छो महीना तलिक में ये लक्ष्मी मरगा से सोरा भाग तलिक ईटा बाट बने वाला छे टेंडर भए गेलो छे जे कि छो महीना के अंदर में ईटा बाट पक्की हेती पक्की हेते हाँ विश्वास एकदम विश्वास में छै विश्वास हाँ एकदम विश्वास में छी यदि नहीं हेतु तो ईटा बाट पक्की छो महीना के अंदर में नहीं हबे पड़ते ईटा बाट जे हालत में पक्की नहीं हेती तो ईटा दोष ककरा देवे चाहे छै ईटा दोष राजे के दोष देवे तक छी हमर राज में के चल छे राजे के मंत्रिमंडल के दोष देवे खोसी हमरा का एकदम बढ़िया विचार राखी देले ईटा ईटा के बारे में जे कि 6 महीना के अंदर में ईटा बेलबारी वाडा नंबर 6 में पीज आबी एती पक्का हेती 6 महीना के अंदर में एकदम विश्वास के साथ कही देले विश्वास के साथ कही ईटा के लगी बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहे छुन जे कि अखनी हमें तो संगे बातचीत करी रहल छुन खेतीपाती के बारे में कतना समस्या आबि रहल छ परुसाल आर अखन ईटा साल में कतना समस्या छ खेतीपाती करल खेती पाती सम एकदम समस्या तो बड़का समस्या छ पानी नहीं पड़ छे नहर का पानी नहीं लाग छे खेत में एकदम खेत सम पड़ती छे अखने तली बहुत समस्या छ बहुत समस्या छ जे कि पहिन कर साल से ईटा साल एकदम समस्या में छ समस्या छ पहिन कर साल से ईटा साल में बहुत समस्या छ खेती करे लगी ईटा गांव में सुरक्षाकर्मी कतना के खटि रहल छ सुरक्षाकर्मी तो खटि रहल से आबि रहल से चौकी के पुलिस सम आबि रहल से शस्त्र कैंप के ओ शस्त्र सम आबि रहल से अखने कहबै जन त अखने ईटा गांव में कुछ घटना घटतु तुरंत आबे सकतु सुरक्षाकर्मी सब हां ईटा गांव में कोन घटना है से तुरंत आबे सकछे शस्त्र कैंप को भी आबे सकछे चौकी के पुलिस भी आबे सकछे भने से एटा गाम एकदम सुरक्षा से घेरल छ कुन हेले त एकै छिन में सुरक्षाकर्मी सब उपस्थित हाबी के एटा घटना के छलफल करी देतु नै त एकै छिन में तोरा एटा घटना के एकदम घटना में आबी सकछे पुलिस एटा घटना के निरीक्षण करी एक छिन में भाज जैसे निरीक्षण एकदम घटनाक्रम में पुमालाल जी इटा गांव के बारे में एकदम कहमनी बाट घाट के बारे में भी एकदम विश्वास के साथ कही दल के कि इटा गांव में इटा बेलबारी वाडा नंबर 6 में 6 महीना के अंदर में टेंडर पास हेल छी 6 महीना के अंदर में इटा बात पक्की हेती कही के एकदम विश्वास के साथ हमरा जानकारी दल की इटा कार्यक्रम मार्फत में जानकारी दल की तोरसिन देखि रहल छै अवश्य भी अपने एरिना टेलीविजन मीडिया फॉर यूथ आर ओइन करिक अपने तोरसिन देखि रहल छै थारू भाषा कार्यक्रम पूर्वांचल में पहिन कर एरिना टेलीविजन में हमर समाज
फिर से स्वागत करे चाहूँ तोर्सिन विभिन्न केबल अपरेटर माध्यम से देखी रहा है एरिना टेलीविजन हमारे सिन के देश भर और वही करी के www.erinatelevision.com.np लगन करी हमारे सिन के देश विदेश में भी रही हमारे सिन के लाइव प्रत्यक्ष रूप में देखे सकते वही करी के तोर्सिन पूर्वांचल में पैन कर बेर देखी रहा है थारू भाषा के कार्यक्रम हमारे समाज में हमें साथ दिया रहा है तोर्सियान के संग हमें नीरज खवास आज हमें बेलबारी वडा नंबर 6 स्थित बनोल चौक में उपस्थित हेल छुन आज यहाँ गाँव के व्यक्ति संगसंगे हमें बातचीत कर छुन विभिन्न विषय वस्तु में हमें बातचीत कर छुन अखनी हमें अखन तक हमें बातचीत कर ली जे कि परुसाल आ रहा इस साल में कितना के फरक कितना के दुख 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 छी इटा कम खेतीपाती लगाब लगना ये पारी पानी भी नहीं पड़ी रहा तो छिन देखी रहा हे भाई हमारा एकदम पसीना पसीना हेल छी इटा कार्यक्रम के छायांकन कर यहाँ क्रम में भी हमें फेन से यहाँ गाँव के एकजना संगे हमें बातचीत करे चाहिए देखिए अखनी हमारे संगे बातचीत करे लगना एकजना दर्शक छी ओकरा हमें स्वागत करे चाहिए हेलो नमस्कार नमस्कार तोर शुभ नाम हमार नाम नरोत्तम केसदार नरोत्तम जी कौन करी रहा छे हमें अखने खेती पाती अखने स्कूल में हम काम करी स्कूल के काम करला के बाद में अखने खेती पाती में व्यस्त छी पैन कर दर्शक संगे भी हमें बातचीत कर ली जे कि सब से पैन हमें एकजना दर्शक संगे बातचीत कर ली जे कि वे भी एक शिक्षक छी सरकारी स्कूल के शिक्षक छी ते कौन स्कूल के प्राइवेट सरकारी हमें सरकारी स्कूल के छी हमारे स्कूल के नाम श्री महेंद्र निम्न माध्यमिक विद्यालय छे उटा में हमें 2041 साल से थाई रूप में काम करी रहल छी हम अपन लगनशीलता से हम अपन प्रगति भी करी रहल छी माने शिक्षा के क्षेत्र में कही हमरा बहुत इंटरेस्ट से हम वहाँ से माने पढ़ाई लिखाई में आर दू चार वर्ष के बाद में माने हम इधर शिक्षा पैसा कही छोड़े के विचार जैसे खेती पाती में हम बारिश तरकारी खेती में हमरा बहुत इंटरेस्ट से हम तरकारी खेती करे खोजी रही किन शिक्षक आर कृषि क्षेत्र में कितना के फरक कितना के भिन्नता छी कितना के किन कितना कमी गाढ़ो छी शिक्षक आर कृषि क्षेत्र में कुंडा गाढ़ो छी कुंडा सजिलो छी देखे काम तो सब बराबर ही है छे काम कोनो बड़का छुमा नहीं है छे अब शिक्षा क्षेत्र में कौन से एक माने ऑफिस में जाके घाम में काम करे नहीं पड़े लेकिन खेती पाती में बहुत चीज होते घाम सहे पड़े हिलक आदम में कहीं रहे पड़े अब बड़ा मुश्किल से कही के कृषि पेशा करे लगना अब पानी भी नहीं पड़ी रहा है पानी की समस्या है उ से किसान सब माने आती गए से सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एकदम हमें तखनो एकजना दर्शक कहल कि बहुत भिन्नता छे कही के प्राइवेट स्कूल में एक रति स्ट्रिक्ट है तो सरकारी स्कूल में लूज छी इटा के बारे में कौन कहे चाहे अब सरकारी स्कूल में इन कि ट्रेनिंग बड़ा शिक्षक है सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल छे अब बोर्डिंग संस्थागत स्कूल सब माने उतना बढ़िया नहीं रहे ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षक सब नहीं रहे उ लेल से माने अब प्राय जसो आदमी सब सरकारी स्कूल के हेला कर छे अब इटा हेला के कारण हेला करे के कारण कौन छे कि त हेला करे के कारण कौन छे कि अब सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ाई नहीं है लेकिन गार्जियन सब तोरा किनेंग लागछु सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हेला लखा लागछु नहीं सरकारी स्कूल में तो बहुत बढ़िया पढ़ाई है लेकिन गार्जियन सब काम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा प्राइवेट दिशा जा रहा है तो अब ओकर से आगे अब बेसी इंग्लिश के बेसी ओकर से आगे लोभ छे मोह छे सरकारी स्कूल में कौन इंग्लिश मीडियम कम नहीं इंग्लिश पढ़ाई नहीं है नहीं सरकारी स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाई है लेकिन विद्यार्थी सब नहीं जाके नियमित रूप में विद्यार्थी सब स्कूल नहीं जे उ लेल से विद्यार्थी सब बहुत कमजोर है अब इटा स्कूल नहीं जे प्राइवेट में स्कूल जे सब दिना स्कूल जे सरकारी में स्कूल नहीं जे इटा समस्या ककरा देखल जेतै इटा समस्या तो विशेष कर गार्जियन के छे अभिभावक सब के छे इना टीचर सब के देखल नहीं जेतै टीचर सब के तो अब छे कोनो समस्या छे उटा में लेकिन विशेष कर के अभिभावक के बहुत समस्या छे अभिभावक सब नहीं पठा रहल छे अभिभावक सब में गरीबीपना छे एटा के मतलब सरकारी स्कूल में नहीं पठावे के कारण अभिभावक छी की हां अभिभावक के छी माने ओकर सके सरकारी स्कूल प्रति ओकर सके माने इंटरेस्ट नहीं हाबी के जे इंग्लिश पढ़ाई नहीं है छे लेकिन अभिभावक सब के उतना जानकारी नहीं छे की सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया चीज छी कही के अभिभावक सब के उतना जानकारी नहीं छे अखने एटा टोल नगरपालिका हेल छी बेलबारी गाविस बाउनी गाविस से अखने बेलबारी नगरपालिका हेल छी कितना के सुविधा हेल छी अखने अखने त भरखर नया नया हेले से अखने सुविधा त वहा किसिम के छै आब नगरपालिका मात्र नाम मात्र के हेले से आ कोनो चीज के सुविधा अखने नै छै कया इना सुविधा कया तक में इटा गाम के इटा टोल के सम
सुविधा फिर तीता इतना सुविधा माने जल्दी हैरा से बहुत बनिया है लेना जाम की सड़क भी फराकिलो है लेना आ बिजली बत्ती भी बेला बेला में जा रहल छे आ सड़क चाकर नहीं छे उलेल से तो बहुत समस्या छे कही के जनता सब के माने अखने नगर पालिका भी है अखने जे की इटा गाम में अखने खाने पानी के भी नहीं छी असल लाइट कम नहीं बिजली के भी उतना व्यवस्थित नहीं हल छी अने कर तो बढ़ल क्या नहीं था कर तो अखने आब नहीं बढ़ल के से आब कुछ दिन के बाद में कर रहा बढ़ते अब जब नगर पालिका पूर्ण रूप में स्थापित भए जेते तकर बाद में मात्र कर सम बढ़ते गई कुन लाग्छु पहिना रोड बाट घाट बनते बनी के पानी सानी आबी के तब कर बढ़ल जेती कि सबसे पहिना पहिना कर बढ़ल जेती तब बाट घाट बनल में आस देखा के तोर सिन के नहीं नगर पालिका अब बनल ना तो बनी गेले लेकिन कानून ओकर जे कानून होना छले नगर पालिका के लागी आ कानूनी रूप में अब नहीं हल छे उ लेल से अखने बाट घाट के बहुत समस्या छे अखने तुरंत है तो इटा बाट अखन तक आधा तक चले ल छी अब इटा आधा कहिया तक भी पूर्ण हेती इटा पूर्ण आप कहिया तक हेते उटा आप जनप्रतिनिधि सब आ नगर पालिका प्रमुख सब जानते उटा हमर सब अखन तक थाने छे आप कहिया तक आबे सकछे उटा तक हमरा जानकारी नहीं हले बातचीत करी दिल इटा लगिन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछन तोर सिन देखि रहल छ अखनी एरिना टेलीविजन में थारु भाषा कार्यक्रम हमर समाज हमें अखनी बातचीत करी रहल छिन नरोत्तम गसदार जी संगे ओकर बनिया बनिया सलाह सुझाव हमें लेली इटा कार्यक्रम कमनी पूर्वांचल में पहिनकर बेर थारु भाषा कार्यक्रम आबि रहल छ कुन सलाह सुझाव देवे चाहछ माने इटा कार्यक्रम थारु भाषा से भी एकटा खास भाषा के कार्यक्रम मिलत न बहुत बनिया हलत न अपन जातीयता के एकटा पहचान हलत न थारु भाषा कार्यक्रम भी एकटा बनिया कार्यक्रम छ के कार्यक्रम निरन्तर रूप में चली रहना चाहिए कही के हमर एकटा सुझाव छ बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछुन अखन कर क्रम में हमर संगे बातचीत करी रहल छली नरोत्तम गसदार जी वे बनिया बनिया सलाह सुझाव दिल की इटा कार्यक्रम के बारे में आर कहमनी इटा गाम घर के बारे में भी बहुत बातचीत सुना दिल की नगर पालिका हेल छी अखन तक इटा के बाट घाट ना बनल नहीं गेली से यार विषय यार बातचीत करी दिल की ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछिन यार क्रम में फेन से आरक जना संगे हमें बातचीत करे चाहछिन हेलो नमस्कार नमस्कार तोर शुभ नाम उषा खवास उषा जी कुन कर छी अखने हमें साना व्यवसायी पोल्ट्री तथा मत्स्य पालन अपने संचालन कर चल गाँव घर में असले चल छु हाँ असले छे हमार अपने छिके निजी हम काम कर छी हमरे लागि किने पोसल छु कि नै छु हां पोसल छे नि व्यापार में कंटिन्यू माने निरंतरता देना छे त जे भी फायदा छे नि हमें तोर संगे आज हमें बातचीत करे चाह छु अपन छिके समाज के बारे में जे कि कहम नि अपन छिके बियाह आबे से पहिना घर देख कर ल जे छी अखनी उटा घर देख चलि रहल छ कि नै छी घर देखिया माने पहिनकर के माने तुलना में माने पहिनकर है अखने माने तुलना में अखने गंजी माने उटा घर देखिया रा के परंपरा गंजी हटते जा रहल छे काम इटा के घटल की ककरा दोष देबे चाह छी इनें छो अब अखने माने सबे जना के क्षमता अनुसार उतना खर्चा उठावे के क्षमता भी नै छो अब माने जकर जकर आर्थिक स्रोत माने जकर जकर आमदनी बढ़ी छे त ओकर सिया माने पैसा खर्च करे सकछे ओकर सिया उटा के माने धाने सकछे त माने जकर संगे जे आर्थिक स्रोत माने कम छे ओकर सिया त माने उतना खर्चा उठावे नै सकते वाले से माने उटा छे कम हेने गेले छे पूरा पहिने से चलिए ल चलन कमनी अखने टोड़ने से किनंग लाग छु तोरा अब इनें छे माने परंपरा माने पहिने से सबे ना माने असल छे कहि के त माने कहल नै जे छ न त कतने में सुधार करे पर जे ना चीज सुधार करे पर छे उना के हटाना हटानाय बर भन्दा असल काम के अपन ओ अनुसार कछ नि घाटी हेरी हार निल न ओ अनुसार माने अपन क्षमता अनुसार जे जे सक्छे करे सक्छे जे जे नै सक्दे माने उटा के हटाना हे माने बेस्ट है लगने मीन्स तू सोची रहल छे इटा घर देख रहा के हटाना जरूरी छे जकरा जकरा क्षमता छे त उए करे सकती नै छे त जरूरी नै छे जरूरी नै छे काम के उटा माने विशेष गरी माने दुई पक्ष के अब दुल्हा दिसन हे माने कन्या दिसन माने दुनो जना के फैमिली में माने परिवार में माने मेल मिलाप असल होना चाहिए दुई जना के बातचीत में माने ओकर से आके सहमति से माने आगू बढ़ना चाहिए अब यार कमी बातचीत रागे संग संगे जोरे चाहछु हम तोर संगे महिला की शिक्षा किनक देखि रहल छै अपन सिके समाज में अपन सिया के समाज में अब कछु नै अब अपन माने अब पुरुष प्रधान देश
पुरुष प्रधान देश तर अखने त पुरुष प्रधान देश कछिनि पुरुष सँगसँगै अखने बराबर हेलछि महिला अभी नै नै छ अखने त माने अखने अब बहुते जना जानिल गेसि माने कतना जना के चार पाँच जना बेटा हेलामे भी बुढेस काल में है माने हेला हेला अखने त अखने आपन छि समाज में देखि रहल छि चार र बेटा एकटा बेटी छि चारोर बेटा कमनी म्याप अपना के नै देखल जे छि लास्ट में वहार बेटी छ वहार बेटी काम देस लास्ट में वहार बेटी के बियाह बियाह करे अब खाना दान दहेज के बारे में कतना लफड़ा छि इटा के बारे में कुन कहे चाह छि इनिंग छ आफ्नो गच्छ अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसार माने देखासी कि नै गर्न चाहि जतने आफ्न क्षमता छ ओतने धै खुशी मन छ धै इ नै कि ओकर इतना ले अच्छा ठीक छ कन्या दिशन से इतना क्षमता छ हम इतना देवी कहि के ठीक छ मतलब दुला दिशन से नै मान्छ नि हमरा या देबै त तब मात्रै गर्बो नै देबै त नै गर्बो होला खाल छ नि उटा त इनिंग हेलो ओकर माने परिवार नाके बुझे परलो काम कि बिहा से आगुए जे ये ओतने मांग कर छे बिहा के बाद में माने हमर बेटी के ये किने के खुशी राखे सकते ता बिहा के आगुए माने ये कछे हमरा फलना दे चिलना दे मोर ओकरा घर में पुथौ बेटी चाही कि माने सर सामान चाही ओर बात बुझ्न चाहिए त माने माने छौरी पक्ष के उटा बात बुझ्न चाहिए कि कहि के इटा परिवार इटा परिवार के माने दुल्हा अथवा इटा परिवार के सास ससुर माने हमर बेटी के लायक नै छे त माने इने के जे ओकार नकार ल जेते नि त माने सबे जना में माने एकटा जन चेतना पुगते कहि के इटा इटा के पति के माने उ छे दान दहेज ना हटाब लगनी ककरा दोष देबे चाहै छै किने के हटल जेते इटा दान दहेज दान दहेज अब देख इनेंग छु अब अखने कर माने देखा सी कि प्रथा छु माने फलना ई दिल के चिलना उ दिल के मीन्स इटा रोकल जेतिक नै जेति इटा दान दहेज रा दान दहेज रा माने इतना जल्दी त माने अब सबेना हटाबे त नै संभव नै छु संभव नै छु माने कोशिश अखने अखने देखबै जन त बियाह करे खाना दुल्हा से बेसी कनिया हे परल रहछ त एमे भी ओकरा प्रेशर दे के हमरा ई देबै परतो उ देबै परतो लास्ट में जाके वहा कनिया हे परी के काम करी के खुआबे परछ हां हां उटा बात त ठीक छ बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाह छु इटा कार्यक्रम में बोली देले है हमर संगे इटा के लागि बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाह छु इटा कार्यक्रम पहिनकर बेर आबि रहल छ कुन कहे चाह छ इटा कार्यक्रम के बारे में माने कार्यक्रम राग माने जुन किसिम के माने तोरसिया इटा माने शीर्षक ल्याके माने गाउँ गाउँमे जाके इनेंगे माने सब धनाके माने विचार बुझि रहला छ इटा माने एकदम माने सकारात्मक पक्ष छको काम कि हा टेलिभिजन मार्फत कतना जना मानुष छ जकरा जकरा माने थाहा नै छ ओकर छ देखि के त माने बुझते नि त कहि के हां इने गलत इने खराब कार्यक्रम छ माने गलत माने प्रथा राके रुढीवादी प्रथा राके हटाबे पर्दे जे जे असल छ उनाके माने अनुसरण गरे परले बनिया बनिया सलाह सुझाव के लागि बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाहछु उषा खवास जी अखने हमर संगे बातचीत करि रहल छले उषा खवास जी जे कि यहाँ बेलबारी नगरपालिका छ स्थित यहाँ गाम के व्यक्ति हमर संगे उषा खवास जी बातचीत करि रहल छी बनिया बनिया विचार राखी देल कि इटा के लागि बहुत बहुत धन्यवाद देबे चाहछु
फिर से स्वागत करे चाहे तोरिस्यान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमार समाज में तोरिस्यान देखी रहा है एरिना टेलीविजन मीडिया फॉर यूथ हमार सिंह के विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से पूर्वांचल भरी आर देश विदेश में भी हमार सिंह के देखे सकते www.erinatelevision.com.np लगन करी हमार सिंह के देश विदेश में भी देखे सकते एरिना टेलीविजन अखनी देखी रहा है तोरिस्यान थारू भाषा कार्यक्रम हमार समाज साथ दे रहा हमें तोरिस्यान के संग नीरज खवास आज हमें उपस्थित हेल छुन कार्यक्रम के पहिनकर दिन आज पहिनकर गाँव में उपस्थित छुन बेलबारी नगरपालिका वडा नंबर 6 स्थित बनल चौक में आज यहाँ गाँव के दर्शक संगसंगे हमें बातचीत कर रहा छुन किन समस्या छी इटा गाँव में किन के चल रहा छी इटा गाँ खेती किसान किन चल रहा छी व्यापार किन हावी रहा छी यहाँ के बारे में हमें आज बातचीत कर रहा छी शिक्षा संबंधी भी बातचीत कर रहा छी दान दहेज के भी बातचीत कर रहा छी अखने हमें एकजना संगे फेन से बातचीत करे जा रहा छुन के छे कि ओकर नाम कुन छे कि ओकरा स्वागत करम हेलो नमस्कार हमर नाम मुलुक चंद विश्वास छे गे यार गाम के यार गाम के कुन करी रहल छे हमे किसान किसान अखने किसान में कहमनी अखने परू साल से इपारी एकदम कठिन हल छी एकदम समस्या हल छी किसान सब के इटा के बारे में कुन कहे चाह छी इटा में अब हमें कुन कह छु कि अखने एकदम पानी काजी के एकदम समस्या छे किसान सब के मल जल के समस्या छे विभिन्न जिनिस के समस्या छे पानी कुलो सुलो के व्यवस्था नहीं हल छे विभिन्न जिनिस के नहीं हल छे से अब सरकार लगा हमर का अपन किस्म से जा लगिन तैयारी में छी कही के अरे इटा पानी भी नहीं पड़ रहा छी अखने धान सान रोपे लगना बहुत समस्या हल छी पानी के लगिन इना कमनी लदी सिंचाई कहिया तक में तैयार हेती खोए अब देखम अब इन्हें तो सरकार अखने भरखर उ करी रहल छे आ सरकार दिल के से अब इटा उ करे लेकिन अब झन झन एक डेढ़ बरस दु बरस तलिक तो लागते अरे नगर पालिका भी हेल छी अब इटा के कहबे जन त टैक्स कर भी बढ़ते जा रहा छी इटा कर बढ़ल अनुसार के इटा गाँव में अखन तक कुन कुन सुविधा आयल छु सुविधा तो अब आस्ते आस्ते अते अब इटा सुविधा भरखर तो अखने सोलर सम ये से आर विभिन्न जिनिस अते अब सुन छी इन्हें के अब एत से लैके लक्ष्मार से लैके तोरा कुन कह से करसिया सोरा भाग तलिक कालो पतरे हेते कही के इटा में ते विश्वास छो हेती कही के हाँ हमरा एकदम पूर्ण विश्वास छे जे कि कहबे जन त अखने अब इटा कर भी बढ़ती इटा कर कमनी कर पहिना इटा गाँव में सुविधा अभी के कर बढ़ते कि पहिना कर तब सुविधा पहिना कर तकर बाद सुविधा हेते कही के काम इन खल करने से सरकार सब जनता के ठकलनिया नहीं लगते नहीं उटा तो अब जनता के ठकलनिया किने के कहबे पहिना जनता कर तीर भाई तकर बाद नहीं सरकार विकास करते नास्ता अखने तो सरकार सिंह तो अपना बजटे नहीं छे फिर भी सरकार तैयो फिर भी सरकार कुन कह विकास करी रहल छे कंजामन सरकार के बजट नहीं छी अब कम नहीं कतना गावी सके मिला के नगर पालिका बनल की अब इटा को कुछ तो उद्देश्य हेते नहीं इटा के तीन चार छः सात गावी सके जोड़ी के एक नगर पालिका बनल की कुछ करबे कहे तो नगर पालिका बनल की नहीं हाँ उटा तो छेके अब काम की अब चार वार्ड के एक वार्ड बनल के से जनसंख्या के आधार में और भूगोल के आधार में वार्ड सिस्टम से आप विकास निर्माण भी हेते अखन कर कमी हमें दोसर बातचीत में हमें जा चाहन तोर संगे बातचीत करे लगना अपन सिंह के समाज अने कुन मर घूमी रहा छु कुन मर जा रहा छु समाज तो इन्हें कहे अखने दोसर किस्म से अब इधर उधर विभिन्न किस्म के घूमी रहा छे अब सर्वप्रथम तो आप कह रहा था अखने कोई कखरु किस्म से अपन उम्मीद नहीं छे कही के लाग्छ हमरा अब समाज कह रहा तो समाज अब ओकर भर में ओकर भर में उठा ने अपन किसिम से चल छे अखने समाज अपन सी के समाज में एक टा कहते लछी नी भर दिन काम कर छी राती जाके वहाँ ना पैसा हो रहा के पाछू काल करो दिन नहीं देख छी इटा के बारे में कुन कहे चाह उटा एकदम सही छे के समाज के इटा अब आजू काम करल के आजू सांस तलिक में हो रहा के काल कुन हेते कही के उटा कुन उ नहीं छे इटा के समाधान करे लगना कुन करे पड़ती इटा के समाधान करे लेकिन आप तो उन्हें कहबे तो आप सरकार कुन जी उ करे पड़ले आर गाँववासी मिली के सबको मिली के गेला के बाद में कुन हल हेते देखि समाज सँगै छलफल गरिकै इटाके कुछ रोकल जा सक्ति हाँ सक्ते उटा हमरा पूर्ण आशा छ अपन सिके इटा थारू समाजमे कमनि चाड पर्वसम्म किन किन किसिमके चाड पर्व मनाओल जाइ छै अब कहबे त पहिनेसँ अखने बहुत दोसर सिस्टम से जा रहा छे होरबाजी कोई कुन अब जितना नहीं है ओखरू से भी बेसी उ करी के लेकिन हमर विचार में तो सबको अपन हिसाब से जाना चाहिए लेकिन कल बातें छी नहीं
थारू के दारू कही के इटा काम कहल जाटा तो अब कहे तो अब पहिने से ये जात जनना है अरे आ जात जनला के बाद में अब उठा तो अब अखन करे युग में तो अब कंजा कहे इनिंग इनिंग करल इटा समाज के लगी कतना असर पड़ल भयंकर असर पड़ल इटा समाज के तो एकदम बहुत असर पड़ल से नहीं तो अब अखन करके युवा सब इटा के सुधार में लगना चाहिए अवश्य भी लगती इटा कार्यक्रम देखी रहा दर्शक सम जितना जन देखी रहा इटा के कहमनी असल पक्ष से समाज के दौड़ती हमारा विश्वास छे अपन जी के समाज में कहमनी चाड़ पर्व मनाल जैसी नहीं बिना दारू भांग खा के चाड़ पर्व मनाल नहीं जैसी इटा के बारे में इटा तो अब कुन कह अब किसिम से कहे तो अब अखन कर सिचुएसन में कंजी बेसी उ करल के से नास्ता पहिना तो उन्हें नहीं करे अब अखन कर युवा सब अब खोई अब कुन कहबे नहीं कहबे पढ़ी लिखी के इन्हें हेले कि कुन हेले से अखन कर युवा कल जे कि अब पहन करे मानुष जिनेंग चलते हेली अब वहाँ मानुष आजकल के युवा सब भी तो वहाँ सीखते तो जेती नहीं 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 वो बात नहीं मान छे युवा सब अब कहे कल हमारे दोसर उसे छे आज हमारे अपन तरीका से जम नहीं कहिए सी रोकती जे कि पहिना ले अच्छा पहिना जे जे खेते अल छे खेल की अखने वहाँ बुढ़ान मानुष पहन करे मानुष अखने रोकल छी कि नहीं रोकल तो रोकल छे बुढ़ान आदमी तो पूरा रोकल छे काम कि बुढ़ान के तो अब हर चीज का वो हेने गेले शरीर भी हर चीज घर व्यवहार विभिन्न किस्म के वो हेने गेल के बाद में तो ऑटोमेटिक वो भए गेल से अखन कर युवा सब के संगे अखने तो अब अपन अपन उससे चल रहा है आर्थिक ज्यादा इधर उधर उधर करी के वो करल के पूर्वांचल में पानी कर बेर देखी रहा है एरिना टेलीविजन में देखी रहा है थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज प्रत्येक हफ्ता के रवि दिन साँझ छः बजे से सात बजे तक देखे सकते और इन करी के पूर्ण प्रसारण सोम दिन तीन बजे से चार बजे तक देखे सकते इटा कार्यक्रम पानी कर बेर टेलीविजन में आबि रहा कौन कहे चाहे हम इटा टेलीविजन कार्यक्रम के बहुत आशीर्वाद दे धन्यवाद एरिना टेलीविजन के काम कि अब इटा वो एकदम बढ़िया है सबसे अब आज ये हेल्ले तो दोसरो पारी दोसरो ठाम आबे सकते इटा एकदम पूर्ण वो हेने जेते आगू बढ़ने जेते एरिना हमारे संगे बातचीत कर दिले इटा के लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन अखने हमारे संगे बातचीत कर मुलुक चंद्र विश्वास जे कि बेलबारी वडा नंबर छ निवासी हमारे संगे बातचीत कर तोरसिन देखी रहा है एरिना टेलीविजन मीडिया फॉर यूथ हमें विभिन्न व्यक्तित्व संगे बातचीत कर ली आज विभिन्न विषय वस्तु में रहिए बातचीत कर ली आज इटा कार्यक्रम से विदा लेवे के समय भए गलिस कतना जल्दी एक घंटा बीतली कतना कहमनी यार गाँव के मानुष सब संगे दर्शक सब संगे हमें बातचीत करी इटा कार्यक्रम के एक घंटा तक छायांकन कर ली कतना जल्दी बीतली पत्ते नहीं हेली जे कि कहमनी तोरसिन देखे सकते इटा कार्यक्रम पूर्वांचल में पानी कर बेर एरिना टेलीविजन से देखी रहा है तोरसिन आप से सब हफ्ता के रवि दिन साँझ छः बजे से सात बजे तक देखे सकते ओने करी के पूर्ण प्रसारण तोरसिन सोम दिन दिन तीन बजे से चार बजे तक भी देखे सकते रवि दिन तोरसिन छूट भई जान अवश्य भी तोरसिन सोम दिन देखे सकते इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज हमें सिकुन तोरी सियान के संग नीरज खवास इतना खाना तक हमरा कैमरा दिशन साथ दिल की विनय के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन आर इटा कार्यक्रम के कमनी डायरेक्शन करी दिल की नवराज कार्की के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहन पहिन कर बेर एकदमे थारू भाषा कार्यक्रम टेलीविजन में आबि रहल छी हमरा सलाह सुझाव के लगी एकदमे आवश्यकता छी तोरसिन सलाह सुझाव देवे सकते सलाह सुझाव के लगी हमें ठेगाना आर नंबर हमें टेलीविजन स्क्रीन में तोरसिन देखी रहा छे दौड़ी रहा छु यहाँ टेलीफोन नंबर में तोरसिन संपर्क कर सकते आर जीमेल में भी सलाह सुझाव देवे सकते इटा कार्यक्रम किनेंग छी तोरसिन इटा समाज में थारू समाज के लिए किनेंग खलक कार्यक्रम चाहिए तोरसिन सलाह सुझाव देवे सकते दर्शकबिन सब हमें आज इटा कार्यक्रम से विदा हावे चाहछुन दोसर हफ्ता हमें आइएबे करबू तब तक के लगिन हमें विदा हावे चाहछुन नमस्कार देखते रहन एरिना टेलीविजन